वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, भारत में सभी पर्वों में दीपावली का सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने पर अगली दीपावली तक के लिए लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं रहती। साथ ही इस दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन आप क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको लक्ष्मी जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको खास दीपावली के दिन मिलेगा। दोस्तों, साथ ही दरिद्रता दूर होकर सुख संपत्ति का आगमन आपके घर में होगा। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, इस दीपावली माँ की कृपा आप पर बरसती रहे, माँ के लिए जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती है। दीपावली पर तेल का दीपक लगाएं और तेल में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी आप ये दीप लगा सकते हैं। इस दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें, सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कूड़ियां भी रखनी चाहिए। ये कूड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है, आपकी धन संबंधी सभी परेशानियों को खत्म करेंगी। तो अगर आप धनतेरस पर कूड़ियां नहीं लाए हैं तो आप दीपावली के दिन जरूर ले आइए। लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ रखें, पूजन में आपको ये रखनी है दोस्तों। और पूजन के बाद हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। इससे घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छुपा कर रखना चाहिए। दिवाली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। अगर आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में आपको लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र में से कोई भी एक चीज जरूर रखनी चाहिए। अगर सफटीक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौटाइए, वापस पलट कर ना देखें। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाइए जिसमें 9 बातियां लगाई जाएंगी। दोस्तों, सभी 9 बातियां जलाएं और लक्ष्मी जी का पूजन करें। दीपावली की रात घर में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपने दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीजों का भी आपको पूजन करना चाहिए। ऐसी चीजों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दीपावली के दिन अगर संभव हो सके तो किसी किन्नर को आप अपनी क्षमता अनुसार दान करें और उससे 1 रुपए का सिक्का मांग लें। अगर वो खुशी खुशी आपको दे दे तो उसे आप अपने पर्स में रखें, इससे बरकत बनी रहेगी। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन ये उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौट कर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे पलट कर ना देखें। महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी है। ऐसे चित्र का पूजन करें, देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत पर मानो ताला ही लग गया है, सब रुक गया है, लाइफ रुक गई है, तो सबसे पहले आप सुबह दिवाली पर ताले की दुकान पर से एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला हुआ ताला आपको नहीं लाना है। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना ही खुद खोलें। ताला सही है या नहीं ये जांचने के लिए भी ना खोलें, बस एक बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और दिवाली की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाइए। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जो ताला खोलेगा
तो क्या उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर ये उपाय कीजिए, किसी को भी इससे कोई हानि नहीं होगी। इस दिन दोस्तों अगर आपको घर में काले रंग की कोई चीज लानी है तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको दिवाली के दिन घर में काले रंग की या नुकीली या धारदार चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। तो इनसे आप बचे, सावधानी रखें, ये गलती आप ना करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो, तो उसके लिए जो आप झाड़ू लाएंगे दिवाली के दिन, या अगर आप धनतेरस पर झाड़ू लाए हैं, तो उसके ऊपर आप एक सफेद रंग का धागा जरूर बांध लें। दिवाली के दिन रात को लक्ष्मी पूजन के समय इसकी भी आप पूजा करें, और रात को सोने से पहले इसके नीचे 1 रुपए का सिक्का आप रख दें। दोस्तों अगले दिन इस सिक्के को धो लें, गंगा जल से स्वच्छ कर लें और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजा करें, और उसके बाद इसे आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे क्या होगा, ये सिक्का आपके घर की सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर समेट लेगा, और जब आप इसे स्वच्छ करके माँ के चरणों में रखेंगे तो माँ इस नेगेटिविटी को दूर करेंगी, और ये सिक्का जो है दोस्तों माँ का आशीर्वाद इसे मिल चुका है, तो इसलिए आपको इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखना है। आपकी किस्मत भी धीरे धीरे चमकने लगेगी। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो और क्या उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप दिवाली की रात को ये भी आजमा सकते हैं, आप झाड़ू के नीचे दिवाली की रात को अगर सिक्का ना रखना चाहे तो 2 लौंग या 2 इलायची रखें, और अगले दिन इस इलायची या लौंग जो भी आपने रखा है इसे आप घर से बाहर फेंक दीजिए। सुबह उठते ही आपको ये फेंकना है, ध्यान दे दोस्तों, सुबह उठते ही आपको इसे घर से बाहर जरूर फेंकना है, और उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखे सीधे घर के अंदर आ जाइए, क्योंकि इसमें घर की सारी नेगेटिविटी को समेट कर आप घर से बाहर कर रहे हैं। इस दिन आप कुछ विशेष वस्तुएं भी लेकर आएं, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लाएं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इनके विशेष रूप से जो इनके अति प्रिय है कमल गट्टे की माला लेकर आएं, धनिया लेकर आएं, सूखा साबुत धनिया जो होता है दोस्तों, मोर का पंख लेकर आएं। साथ ही विशेष रूप से इस दिन आप शाम के समय पूजा आराधना जरूर करें। जो चीज आप धनतेरस के दिन लेकर आए हैं, जैसे चरण पादुका लेकर आए हैं, या अगर आप माता रानी का चांदी का सिक्का लेकर आए हैं, तो इन सब चीजों की आप दीपावली के दिन विशेष रूप से पूजा जरूर करें। दोस्तों दीपावली की रात घर से बाहर निकलकर ये एक चीज जरूर फेंक दें। आपको दीपावली की रात घर से बाहर निकलकर एक कौड़ी अपनी छत पर जरूर फेंकनी चाहिए। माना जाता है कि कौड़ी लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, तो एक तरीके से आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये गलती आप दीपावली पूजन में ना करें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। माँ लक्ष्मी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता और माँ भी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। तो इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपकी पूजा दोस्तों सफल नहीं होगी। दोस्तों लक्ष्मी पूजन के समय घर की महिला को 5 गोमती चक्र अपने पल्लू में बांध लेने चाहिए, और पूजन के बाद इसे धन रखने के स्थान पर रखें। माना जाता है कि इन गोमती चक्र में पूजन से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो अगर आप इन अपने घर की तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों दिवाली के दिन ये गलती घर के किसी भी सदस्य को नहीं करनी है, महिला हो, पुरुष हो, पति पत्नी, कोई भी ये गलती ना करें। आपको दिवाली के दिन सुबह 8 बजे से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। दिवाली के दिन अगर आप 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो स्नान का कोई महत्व नहीं रह जाता है दोस्तों, और ऐसे में आप स्वच्छ नहीं माने जाएंगे। दोस्तों 8 बजे के बाद वैसे भी कभी स्नान नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, खासकर घर की महिलाओं को, और दिवाली के दिन तो ये गलती इसलिए आप बिल्कुल भी ना करें। अब सवाल आता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू लाएं या दिवाली पर? तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है, तो आपको झाड़ू इसी दिन लानी चाहिए, लेकिन अगर आप इस दिन चूक चुके हैं तो आप दिवाली के दिन ले आइए। धनतेरस पर लाना ज्यादा शुभ रहता है, सही रहता है, पर कोई बात नहीं, जो लोग धनतेरस के दिन नहीं ला पाए हैं वो दिवाली पर लाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन किया जा सकता है। अगर संभव हो सके तो दिवाली के दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाइए, इस पुण्य कर्म से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप का ध्यान करें।
दोस्तों इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बन जाएगा। माँ लक्ष्मी के सामने आपको एक सुपारी जरूर रखनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को आप अपनी घर की तिजोरी में रख सकते हैं या चाहे तो आप अपने दुकान के गल्ले में इसे रखें। दोस्तों आपको दुकान पर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जरूर लगाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इस दिन नया कपड़ा आप लाइए और वो बिछाइए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। माँ लक्ष्मी का ऐसा फोटो आपको रखना है जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में अगर केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। महालक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का कमल गट्टे की माला से आपको कम से कम 108 बार जप करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, शुभ दीपावली। आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।